हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज बात करेंगे अपनी गाड़ी। बहुत दिन से आपने देखा होगा वीडियो नहीं आ रही यूट्यूब पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिक्कत है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अपनी गाड़ी में अभी कूलेंट में ऑयल मिक्स हो गया था, उस वजह से मैं बहुत दिन से गाड़ी भी नहीं चला रहा हूँ। और अभी दिक्कत ये आ रही कि वो वाटर पम्प की सील नहीं मिल रही इधर भोपाल में। मतलब मैंने जो कोशिश करी, जो मैंने लेके आया था, जो जुगाड़ तुगाड़ करके मैच करके, लेकिन वो मैच नहीं हो रही है। तो अपने को वही ओरिजिनल चाहिए और वो ओरिजिनल अभी मिल नहीं रही है। तो आपको मैं अभी कंडीशन दिखाता हूँ। हाँ, तो गाइस आप देख सकते हो ये अपना पूरा क्लच की असेंबली खुली हुई है, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसमें नुकसान किया है गाड़ी में। जो वाटर और अपना ऑयल मिक्स हुआ, मतलब कूलेंट और ऑयल मिक्स हुआ है। तो अभी आप यहाँ पे देख लो ये सीन, ठीक है, यहाँ पे मिल्क शेक टाइप का बन गया है और सील अपनी यहाँ की ख़राब हुई है, ठीक है। क्योंकि अपन ने सील है दोनों निकाल ली है, ठीक है, लेकिन अभी ये मिली नहीं है ओरिजिनल, ठीक है। जो मिली थी वो स्प्लेंडर की थी, तो वो उतनी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे काम करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि जो गर्म कूलेंट रहता है वो यहीं से अपना आना जाना करता कूलेंट, तो ये बिल्कुल यहाँ पे ओरिजिनल सील लगाए कभी भी। और आप देखोगे तो एक काम और नया आ गया है यहाँ पे, आप देखोगे ये ऑयल पम्प का गाइस गियर है, और ये देखोगे तो ये टूट चुके हैं इसके दांते। जब मैंने इंजन ऑयल बाहर निकाला था, मैं वीडियो लगा दूंगा इंजन ऑयल कैसे निकाला था, ठीक है, तो ये जो दांते थे ये टूट के उसमें से ऑयल में बाहर आए थे। तो अपने को ये ऑयल पम्प की असेंबली पूरी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अकेला गियर तो मिलेगा नहीं, ठीक है, तो ये चेंज करना पड़ेगी। और हो सके तो मैं क्लच प्लेट भी चेंज कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि क्लच प्लेट भी चेंज नहीं करी मैंने। बहुत सी वीडियो में आपको बताया था कि इसको चेंज करना है, ठीक है। बाकी आप अगर इधर ऑयल की कंडीशन देखोगे, ध्यान से देखो, तो बहुत बेकार हो गई है। तो इंजन पूरा वॉश होगा, दो तीन बार नया इंजन ऑयल डालेंगे, मतलब जो नॉर्मल इंजन ऑयल आता है लोकल वाला, उसको डाल के पूरा क्लियर करेंगे। उसके बाद इसमें अच्छा ऑयल डालेंगे, और ऑयल फिल्टर जितने बार ऑयल डालेंगे उतने बार अपन नया ऑयल फिल्टर इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब देखोगे अगर आप, तो अभी गाड़ी के अंदर कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है। अगर आप टाइमिंग चेन देखोगे तो ये भी बढ़िया सी है, ठीक है, जबकि अपनी गाड़ी 80,000 किलोमीटर चल गई है, कहीं भी कोई अंदर इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना अभी धुआं दे रही। बस ये इस ऑयल रिंग की वजह से, मतलब वाटर पम्प की सील की वजह से इतना ज़्यादा इसके अंदर गंदगी। तो गाइस आपने देखा, मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो गाइस इस वजह से अभी वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही है, क्योंकि गाइस वाटर पम्प की सील मिलना बहुत ज़रूरी है, ओरिजिनल होना चाहिए। मतलब मैं भोपाल में रहता हूँ, मैंने भोपाल में जो इसका मेन डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ भी पता कर लिया सील, मतलब जो इसका नंबर होता है पार्ट नंबर, उससे भी अभी वहाँ पर वो कह रहे कि 1 महीने के अंदर आएगा या 15 दिन के अंदर आएगा सामान, बट वो वहाँ पर नहीं मिला। तो मैंने ऑनलाइन जो वेबसाइट है 99rpm.com वहाँ से मंगवा लिया है, अब वो आ जाएगा उसके बाद में लगा। तो बाकी ये जो कूलेंट मिक्स हो रहा था ऑयल में, वो मुझे बहुत लेट पता चला, मतलब ये समझ लो कि 15-20 दिन बाद। गाड़ी का फ़ैन चल ही रहा था आपके, मतलब आपने पहले भी देखा हो पुरानी वीडियोस में मैंने बताया था कि फ़ैन चल रहा था, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि रेडिएटर में से कूलेंट खाली हो गया था, कम से कम मुश्किल से 100-200 ग्राम बचा होगा कूलेंट। फिर मैंने सोचा कि कूलेंट टॉपअप कर दूँ, क्योंकि 2.5-3 साल से कूलेंट मैंने चेंज नहीं किया था। बट फिर जब मैंने जहाँ से क्लच कवर में गिलास लगा हुआ रहता है वहाँ से मैंने चेक किया, तो देखा कि ऑयल और जो वाटर मिक्स हो रहा था, क्योंकि तो जो ऑयल था उसका कलर पूरा बदल चुका था। तो ये सब की वीडियो मैं एक अलग से डालूंगा, अभी तो मैं आप लोग को बताने के लिए वीडियो डाल रहा हूँ कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि ये काम होगा। और अब ऑयल पम्प भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑयल पम्प का वो जो गियर है वो अगर अकेला मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो पूरा ऑयल पम्प की असेंबली वो चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऑयल पम्प नहीं चलेगा गाड़ी के अंदर तो इंजन सीज हो सकता है, और अभी 2-3 बार ऑयल डाल के अपने को इंजन को फ्लश करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर पूरा वाइट हो चुका है, ठीक है गाइज। तो मिलता हूँ मैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा।